C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। One last please। प्रज्ञा के दिल में अगर ऐसा कुछ है भी तो भी मैं उसे रोक नहीं सकता क्योंकि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं। Yes. Yes. The best. एक दिन में कितनी खुशी दोगी? मतलब तुम्हारी तो पहली है लेकिन एंगेजमेंट ये वो बेस्ट है। बोल दो, मैं भी चाहता हूं तुम बोल दो। मतलब क्योंकि जब तुम किंग को प्रज्ञा के बारे में बताओगी तो किंग का प्रज्ञा के ऊपर से भरोसा हट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। और दिल टूटने के बाद क्या करेगा वो? प्रज्ञा से अपना रिश्ता तोड़ेगा, मतलब प्रज्ञा को अपनी लाइफ से फसक करके निकाल देगा और तब होगी मेरी एंट्री। तुमने इतने मुश्किल काम का इतना सरल सॉल्यूशन निकाला है, मन तो कर रहा है कि तुम्हें दे दूं, लेकिन नहीं, आई विल सेव इट फॉर लेटर। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? इसका मतलब किंग और प्रज्ञा दोनों अलग हो जाएंगे और मैं और प्रज्ञा एक। वैसे तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारी शादी हुई है, लेकिन हमारी शादी कैसे हुई है ये हम दोनों ही जानते हैं। हमारी शादी ऐसे है कि तुम हो या मैं, जो भी हो, जब चाहे इस शादी से बाहर निकल सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस शादी से बाहर निकलने का मेरा वक्त तो आ गया है। पता है बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं जब तुम मुझे अच्छी लगती हो। एक्चुअली ऐसा वक्त तो बहुत कम ही है, लेकिन आज का जो दिन है ना, वो तरुण और नेहा की एंगेजमेंट के बदले उस दिन के लिए जाना जाएगा जब तुम मुझे बहुत खुश करके गई। तुम जाना चाहती हो किंग का है? वो रहा किंग। जाकर बता दो, उसकी नैया डुबा दो और मेरे नैया को कम गो।